दरअसल वास्तव में डीएक्सएन एक दिन में तैयार नहीं हुआ और इसे तैयार होने में कई सालों की मेहनत है। हमने इसकी तैयारी 80 के मध्य से या उससे पहले से ही शुरू कर दी थी। लोग मुझसे पूछते थे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत आप क्यों कर रहे हैं, जबकि ये एमएलएम एक खराब छवि बिजनेस प्रणाली है जिसकी इमेज ठीक नहीं रही होगी। मेरे विचार से एमएलएम एक औजार की तरह है जिसकी अच्छाई या बुराई उपयोग करने वाले पर निर्भर है कि वो उस औजार का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। जैसे चाकू को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, परंतु जिसके हाथ में चाकू है वो उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करता है। सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल हुआ तो अच्छा है और किसी को मार कर लूटने के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये बुरा है। इसलिए एमएलएम अपने आप में खराब या अच्छा नहीं है, बल्कि ये एक औजार है कि ये एक औजार की तरह है। डीएक्सएन की व्याख्या के लिए हमने कुछ समय लिया। हम एक वास्तविक कंपनी है जो नैतिकता और विश्वास के योग्य है, क्योंकि डीएक्सएन शब्द का अर्थ नैतिकता और विश्वास है। जब एमएलएम हमारे हाथ में है, ये एक अच्छा औजार है। अपने ग्राहक को हम वितरक बनाते हैं और ये वितरक जंगल की आग जैसे फैलते चले जाते हैं, जैसे मशरूम फैलते हैं। पिछले 23 वर्षों से फैलाव की ये प्रक्रिया जारी है और इसकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है और इस प्रकार डीएक्सएन की शुरुआत हुई। डीएक्सएन अभी सफलता के पथ पर अग्रसर है। हम विश्व के शीर्ष 25 और मलेशिया की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी है। मुझे लोग पूछते हैं कि डीएक्सएन इतना कामयाब कैसे हुआ। आप हमारी विशाल काय फैक्ट्री सेटअप और नेटवर्क देखिए, यहाँ 60 लाख से भी अधिक सदस्य काम कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि हमारी सफलता का राज क्या है। सफलता का राज बहुत सरल है। हमारे पास उत्पाद अच्छे हैं, एक अच्छी व्यवस्था है और हम ईमानदार हैं। हम धोखा नहीं देते, यही हमारी सफलता का कारण है। जब दो कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो बाजार में किसकी जीत होगी ये जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने या टॉस करने की जरूरत नहीं है, और जो ईमानदार होगा जीत उसी की होगी, और इसीलिए डीएक्सएन लगातार जीत रही है। हमारी खुद की तकनीक है, खुद का उत्पाद है और हम प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए हुए हैं। हम अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सफल हैं क्योंकि हम उत्पादक हैं और वो उत्पादक नहीं है। इसलिए मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में हम मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धी हैं। कोई कंपनी हमारी तरह निर्माता है, लेकिन हमारे पास विशेष तकनीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कई उत्पाद हैं, जैसे RGGL, लिंगजी कॉफ़ी। हाँ, बड़ी बड़ी MLM कंपनियां DXN का अनुकरण कर लिंगजी कॉफ़ी बेच रही हैं। हमारे पास ट्रॉपिकल स्पिरुलिना तकनीक है और हम बड़े पैमाने पर स्पिरुलिना का उत्पादन कर सकते हैं, एंजाइम ड्रिंक का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे पास परिरक्षक रहित खान पान की सामग्री है। हम लोग फ्रूट जूस और बहुत सारे टॉयलेट्रीज का उत्पादन भी अपनी तकनीक की सहायता से करते हैं, तभी हम प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए हुए हैं और इसी कारण हम ईमानदारी से बिजनेस चला रहे हैं। लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए हम और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यही डीएक्सएन की सफलता का राज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एमएलएम कंपनी में दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी व्यापारी की है और दूसरी जिनके पास खुद के उत्पाद हैं। मेरे विचार में 90% कंपनी व्यापार करती हैं और थर्ड पार्टी से सामान खरीदती हैं और ग्राहक को बेचती हैं। ऐसी कंपनियां स्थिर नहीं हैं और कभी भी बंद हो सकती हैं। हम लोग वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं। मैन्युफैक्चरिंग एमएलएम कंपनी में भी दो प्रकार हैं। एक वो जिसके पास खुद की अपनी तकनीक है और दूसरी वो जिसके पास तकनीक नहीं है। डीएक्सएन एक स्थिर कंपनी है क्योंकि इसके पास सारी तकनीक है। हमारे पास गेनोडर्मा उगाने की तकनीक है, स्पिरुलिना उगाने की तकनीक है, एंजाइम जूस, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट्रीज सबके लिए तकनीक है। डीएक्सएन एक वास्तविक एमएलएम कंपनी है और कंपनी की प्रक्रिया स्थिर है।
हमारा अपना प्रोडक्शन केंद्र है, उत्पाद है, मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है। ये सब एक प्रोसेस सिस्टम के अंतर्गत है। मैंने इंजीनियर होने के नाते इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट का उपयोग किया। उदाहरण स्वरूप, हमारे पास मार्केटिंग का कोड है जो प्रत्येक देश में समान है और यही इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। यही एक विश्व एक बाजार की अवधारणा है। सभी देश, सभी महाद्वीप के लिए एक समान मार्केटिंग प्लान है जो DXN को बाकी MLM कंपनी से अलग करती है। हमारे पास तकनीक है, अपना उत्पाद है और स्वयं की मार्केटिंग कोड है। सभी एक छत के नीचे हैं। यही सारी चीजें DXN को स्थिर बनाती है। अच्छा, अब दक्षिण एशिया में पिछले 23 साल में 3 बार आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। 80 के दशक के अंत में भी ऐसा हुआ और उसके बाद 1993 में DXN की स्थापना के पश्चात 1997 में और फिर 2008 में। लेकिन इस मंदी में भी DXN काफ़ी विकसित हुआ और मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा और हम स्थिर रहे। अब आप देख सकते हैं कि हाल ही में रिंगिट की वैल्यू 4.4 पॉइंट से लुढ़क कर 2.3 पर आ गया, लेकिन ये हमें प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि सभी चीज़ें हमारी अपनी है। हम सैलरी या लेन देन रिंगिट में करते हैं, इसीलिए ये हमें प्रभावित नहीं करेगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि DXN एक वास्तविक और स्टेबल कंपनी है। जहाँ तक मुझे याद है, ये 1999-2000 की बात है। दक्षिण एशिया में अर्थव्यवस्था टूट गई थी, इंडोनेशिया में दंगे हो रहे थे, लोग दुकान चला रहे थे, फैक्ट्रियां जला रहे थे और जब वे DXN कार्यालय के करीब आए तो हमारे सदस्य जो 1000 के करीब थे, उन्होंने बीच बचाव करके उसे रोका। तब मैं इंडोनेशिया गया जब वहाँ कोई नहीं जाना चाहता था। हवाई जहाज़ में केवल 3 लोग थे, मैं और 2 एयर होस्टेस। वो ट्रिप वाकई में अच्छा और यादगार था। मैंने इंडोनेशियन सदस्यों से कहा कि DXN यहाँ हमेशा रहेगी, मुद्रा गिरे या उठे, कोई घरों को बर्बाद करे, आग लगाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब हमने DXN आरंभ कर दिया है, फिर वहाँ से कोई वापसी नहीं है। आपका पथ मुश्किल भरा हो या आसान, आपका पथ सुरक्षित हो या असुरक्षित, हमें इसकी परवाह नहीं। हमें तो बस अपना काम करते रहना है। DXN को छोड़ बाकी की जो सारी मल्टी लेवल कंपनियां थी बंद हो गई क्योंकि मुद्रा लुढ़क रही थी। बहुत सी MLM कंपनियां प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने कीमत बढ़ा रही थी, अंततः बंद हो गई। एकमात्र DXN ही वहां काम कर रही थी। हम लोग रेफ्यूजी कैंप जैसे हो गए जहां लोगों की तादाद बढ़ रही थी। सभी लोग सड़क किनारे लाइन लगाकर DXN को ज्वाइन कर रहे थे। एक महीने में लगभग 30,000 से 50,000 लोग DXN से जुड़े। हमें इस बात पर गर्व था कि अंततः इंडोनेशिया में हम सफल हुए और वहाँ से संपूर्ण विश्व में फैल गए। वहाँ की मीटिंग में 15,000 लोग आते थे, थाईलैंड से, भारत से, फिलीपाइन से, वहाँ सभी, पूरी दुनिया इकट्ठा देख रहे थे। इतनी बड़ी मीटिंग के बाद उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और पूरे जोश के साथ वो काम करने लग गए। थाईलैंड, भारत, फिलीपीन का मार्केट तेजी से बढ़ा और पूरी दुनिया में फैल गया। हम लोगों ने उस समय सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना किया, यही हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। देखिए, DXN एक स्थायी कंपनी है और किसी भी अच्छी कंपनी को सामाजिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसलिए DXN पिछले कई सालों से निरपवाद रूप से
चैरिटी करती आ रही है। हमने एम्बुलेंस और डायलिसिस मशीन दान किए हैं। जब फिलीपींस में टाइफून आया, अभी हाल ही में नेपाल में हमने 1-to-1 डोनेशन किया, यानी जब हमारे मेंबर $1 डोनेट करते थे, DXN भी $1 डोनेट करती थी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विश्व के कई देशों के बच्चे दुर्भाग्यवश कुपोषण का शिकार हैं। जैसे पाकिस्तानी बच्चों को कुपोषण के कारण रात्रि दृष्टि की समस्या थी। अगर रात्रि दृष्टि का इलाज नहीं किया जाए तो दृष्टिहीन होने का खतरा होता है और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमने अपना प्रोडक्ट डोनेट किया। पाकिस्तान में, इंडिया में और अफ्रीका में RG, GL और स्पायरोलिना डोनेट किया गया। हम लोग ये काम चुपचाप करते हैं और अन्य कंपनी की तरह हम लोग डोनेशन की चर्चा नहीं करते। हम लोग बिना किसी शोर शराबे के दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। हमने इसके लिए बहुत काम किया है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपना उत्पाद डोनेट करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस और कुपोषण एक बड़ी समस्या है। लगभग 40% भारतीय महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं, और जब एक कुपोषित महिला गर्भवती होगी तो एक स्वस्थ बच्चा धारण नहीं कर सकती, जो उसके भविष्य के लिए नुकसानदायक है। ऐसे लोगों को हम अपना उत्पाद देते हैं, अस्पताल के माध्यम से, सदस्य के माध्यम से या मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, और इसीलिए बहुत सारे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर DXN का सपोर्ट करते हैं। वे DXN के मार्केट रिजल्ट और कुपोषण से जंग की मुहिम को जानते हैं। DXN लोगों को वित्तीय बाधा से मुक्ति दिलाने का काम करती है, और जहां तक मेरा मानना है कि DXN ये सबसे अच्छा काम करती है। इसे आप हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट चैरिटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ी चैरिटी कही जा सकती है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एक दिन मैं दुबई के सुपरमार्केट में था, तभी एक फिलिपिनी महिला ने मुझे देखा और रोते हुए लिपट गई। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वास्तव में DXN से जुड़ने से पहले वो महिला 12 वर्ष से अपने घर फिलीपीन नहीं गई थी, क्योंकि अपने घर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रही थी। फिलीपीन के स्थानीय लोग ये समझते थे कि विदेश में रहती है तो अच्छे पैसे होंगे। उसने बताया वो घर नहीं जा सकती थी, अपने बेटे के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकती थी। DXN से जुड़ने के बाद उस महिला ने 3,000 से 4,000 दिराम तक कमाना शुरू किया, जो लगभग $1,000 के बराबर है। बेशक इतने पैसे कुछ लोगों के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से अच्छी रकम है। इस प्रकार वो महिला कपड़े तोहफे खरीद कर अपना आने जाने का टिकट लेकर अपने परिवार से मिल पाई। इसलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैरिटी है, और DXN यही काम करती है। एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। फाइटर जहाज का पायलट था जो हमारा DXN का सदस्य था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। घटना के बाद सरकार की ओर से परिवार को कोई मदद या पेंशन नहीं मिली, क्योंकि DXN बिजनेस से जुड़े होने के कारण पति का बिजनेस पत्नी के नाम पर ट्रांसफर हो गया और वो DXN बिजनेस करने लगी। 5 वर्ष में उसका बोनस लगातार बढ़ता रहा, और मुझे याद है कि एक दिन उसकी बेटी मंच पर आई और स्टेज पर आकर उसने बताया कि अपने पिता को खो देना सबसे दुखद था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि हमें DXN मिला। वे सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परिवार के लिए रोटी कमाने वाला मर जाता है
और DXN मेंबरशिप उनके रिश्तेदारों को स्थानांतरित कर देता है, जिसके माध्यम से वो पैसे की कठिनाई से बच जाते हैं और DXN सिस्टम के कारण उनका भविष्य सुरक्षित होता है। DXN के शुरुआती दिनों में जब ये कंपनी बहुत छोटी थी, कोई भी कामयाब MLM की जानकारी रखने वाले DXN से नहीं जुड़े, और जो जुड़े उनमें से कई दूसरी कंपनी में असफल रहे। अब हमारे पास बहुत ऐसे मेंबर हैं जो पहले बैंकरप्ट थे, लेकिन DXN से जुड़ने के बाद आज कामयाब हैं और सारे कर्ज चुकाने में सक्षम हुए। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे माली, ऑफिस बॉय, जो कामयाब हुए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ताजुद्दीन का, जो पेशे से माली था। लोग उसे पूछते थे, DXN से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? लोगों के बार बार प्रश्न पूछे जाने के कारण वो तंग आ चुका था, और उसने एक दिन इंडिया में जब यही प्रश्न पूछा गया तो कहा कि DXN से जुड़ने से पहले मैं पायलट था। लोगों ने कहा, वाओ पायलट, हाँ हेलीकॉप्टर पायलट, लेकिन दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर उल्टा हो गया और मैं वो घास काटने लगा। तब वो DXN से जुड़ने से पहले प्रति माह 250 रिंगेट कमाता था, लेकिन आज DXN की वजह से वो कामयाब है। इससे पहले वो अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं बोल पाता था और आज जोरदार अंग्रेजी बोलता है, सभी जगह भ्रमण करता है और स्पीच देता है, प्रेरणा देने वाली स्पीच। मैं आप देखिए, ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये DXN से जुड़ने के बाद कैसे एक माली करोड़पति बन जाता है, एक ऑफिस बॉय पैसा कमाने लगता है और आर्थिक रूप से कंगाल व्यक्ति करोड़पति हो जाता है। ऐसी कई सच्ची और अच्छी कहानियाँ DXN से जुड़ी हैं। अभी मैं बताता हूँ, DXN में 5 मिलियन सदस्य हैं। विश्व की 6 बिलियन जनसंख्या की तुलना में ये 5 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये सतह पर एक छोटी तरंग के जैसा भी नहीं है। जिन लोगों ने अब तक DXN की सदस्यता नहीं ली है, मेरा सुझाव है कि DXN से जुड़ें। इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम, DXN एक प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखने वाली कंपनी है। हमारे पास अपनी तकनीक है और DXN जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाती है। जब आप DXN से जुड़ते हैं, आपको विश्व भ्रमण का मौका मिलता है। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, आप DXN से जुड़ें, क्योंकि ये एक वास्तविक MLM कंपनी है। DXN से जुड़ने के बाद आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, आप स्वयं को हर बाधा से स्वतंत्र पाएंगे, जो DXN का एकमात्र लक्ष्य है। DXN से जुड़ने के लिए पैसे नहीं लगते, जुड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए। DXN से जुड़ना सरल है, जहां आपको एक मेंबरशिप कार्ड दी जाती है और ये पूरे विश्व में उपयोग किया जा सकता है। आप मलेशिया या यूरोप के सदस्य हैं तो भी आप अमेरिका, अरब, इंडिया, किसी भी देश के लोगों को अपना मेंबर बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें DXN से जुड़ने को लाभकारी बनाती हैं। अगर आप कंपनी के भविष्य को देखना चाहते हैं तो इसके भूतकाल को देखिए। आप इसके इतिहास के द्वारा ये जान पाएंगे कि अब DXN कोई नई कंपनी नहीं रही। DXN एक 25 साल पुरानी कंपनी बन चुकी है। हम 20 से 23 साल से चलते हुए आज यहाँ आ चुके हैं और विकास की गति पकड़ चुके हैं। DXN का भविष्य जानने के लिए आपको किसी विश्लेषक की जरूरत नहीं है, किसी भविष्य वक्ता की जरूरत नहीं है। भूतकाल में DXN का एक विश्व एक बाजार की पद्धति लागू कर चुका है। हमारे पास वन प्रोसेस सिस्टम है और हमारा फोकस केवल DXN को सफल बनाना है। ये कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया एक साथ प्रभावी रूप से काम कर रही है और जो प्रभावी नहीं है उसे पहले ही बाहर कर दिया गया है, इसलिए हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम एक मैच्योर कंपनी है। हम जानते हैं कि मार्केट की आवश्यकता क्या है, हम जानते हैं कि मार्केट के साथ कैसे बने रहें, इसलिए DXN का भविष्य उज्ज्वल है। मैं सदस्यों से कहता हूँ
कि हमने सतह पर केवल एक खरोच लगाई है, वास्तव में डीएक्सएन की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भविष्य में जब डीएक्सएन की क्षमता का 100% उपयोग होगा तो मैं समझता हूं कि हम लोग आज की तुलना में कई गुना कामयाब होंगे।